हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पेरेंट्स में। एंड देखिए, डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू से संबंधित एक न्यूज आ गया है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में अगर हम देखें तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, आपको पता होगा सभी लोगों को, लेकिन ये ख़त्म होता है 31 मार्च को। ओके, तो सितंबर 30 तक अगर हम देखें तो 6 महीने कम्प्लीट हो जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आधा जो ईयर होता है उसके हम अगर डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू को देखें तो 16.3%, यानी कि अगर रुपए में बात करें तो करीब 7.45 लाख करोड़ का अभी तक टर्नओवर हो चुका है, मतलब इतने टैक्स कलेक्शन आ चुके हैं और इसमें जंप हुआ है 16.3% का। इससे पर देखिए, एक चीज़ ये भी पता चलता है कि जो इकॉनमी है कोविड के बाद से बिल्कुल डाउन गई थी, अब वो बिल्कुल राइज आ गई है और अब पैरेलल चलने वाली है। आने वाले समय में हो सकता है कि वो ऊपर भी जाए नीचे भी आए इस प्रकार के, लेकिन अभी नीचे जाने वाला कंडीशन, मतलब यहाँ से अगर कहें हम और नीचे जाने का कंडीशन तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। द हिंदू में प्रकाशित किया गया था इस न्यूज़ को, जिसमें बताया गया कि प्रोविजनल ईयर अगर, यानी हम जिसको कहते हैं कि 22-23 जिसको इस समय चल रहा है अभी, उसमें टैक्स कलेक्शन जो कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ध्यान रखिएगा, वो भी नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, यानी से इसमें कुछ चीज़ें घटाई भी जाती हैं, उसमें वृद्धि देखी गई है बहुत ज़्यादा। टोटल अभी तक 7.45 लाख करोड़ का लगभग रिवेन्यू गवर्नमेंट को हो चुका है। अक्टूबर 8 तक के भी टारगेट यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि अक्टूबर 8 तक क्या हुआ है, 16% के टैक्स इनफ्लो देखा गया है। और अगर टोटल नेट पर्सनल इनकम के बारे में बात करें तो 17.35% की वृद्धि हुई है। और ये इनकम टैक्स की अगर बात करें हम तो ये कॉरपोरेट टैक्स से भी तेज भाग रहा है। अब सोचिए, कॉरपोरेट टैक्स जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है उससे भी तेज़ी से भाग रहा है। इससे पता चलता है कि इंडिविजुअल जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई है। ओके, यानी कि लोगों की जो सैलरी है वो भी इनकम टैक्स के दायरे में रह के जो सैलरी है वो बढ़ी है। अब यहाँ पे ये डेटा देखिए, अब हमने पिछले समय में देखा था कि किस प्रकार से जो GST के कलेक्शन थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे। लगातार 7 महीने से ऐसा हुआ था कि टैक्स कलेक्शन GST का 1.40 लाख करोड़, यानी कि 140 लाख करोड़ रुपए हर महीने आ रहे हैं इस समय GST से मात्र। अब यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो करीब 6 महीने में 7 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स भी आ गया। ये अब टोटल अगर हम टारगेट देखें तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था बजट में, उससे भी ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अच्छा खासा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और देखा जा रहा है कि टैक्स रिफंड हैव जंप्ड 81% अगर पिछले साल से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि देखी जा रही है। तुलना किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान रखिएगा कि पिछले साल का जो 2021-22 का अप्रैल से सितंबर तक का महीना होगा उसी से हम पे ऐसा कंपेयर किया जाता है। ओके, तो लास्ट पिछले मंथ के से हम कंपेयर नहीं करते यहाँ पे, अभी फिलहाल पिछले साल से कंपेयर किया जा रहा है और उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये बताया गया कि टैक्स कलेक्शन जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा टैक्स कलेक्शन के बारे में, कॉरपोरेट टैक्स के बारे में भी, इनकम टैक्स और GST के वजह से कितने टैक्स मतलब के रूप में पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, वो कितनी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स के बारे में बताया जा रहा है कि 70% से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिला है और 2,95,000 के आसपास अभी तक सितंबर 17 तक कलेक्शन किए गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।